नमस्कार सभी को। आज की यात्रा हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम जा रहे हैं आज मैनीपुर बालाजी राजस्थान, दूसरा जिले में पड़ते हैं यहाँ पर। और हमारे साथ जा रहे हैं हमारी पत्नी वासुदेव और हमारी प्रिय साली जी और अभी मैं निकल गया हूँ यहाँ से पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से अपने घर के पास से, और यहाँ से सीधे निकलेंगे टुवर्ड्स पलवल। पलवल से कट पड़ेगा आगे, वहाँ से ज्वाइन करेंगे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे एंड वहाँ से एग्जिट लेंगे नियर बाई डोसा। डोसा एक जगह है तो वहाँ पे कट होगा तो एंड वहाँ से 30-40 किलोमीटर डिफरेंस होगा, तो अप्रोक्सीमेटली आराम से चलेंगे तो पहुँच जाएंगे अपने 5-6 बजे तक। एंड लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। गुड बाय। ओके, तो अभी सारे एक साथ हम लोग यहाँ पहुंच गए मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर, और यहाँ से करीब करीब हमें मैनीपुर बालाजी जाने के लिए 110 किलोमीटर कंटिन्यूस चलना पड़ेगा स्ट्रेट। और देख पा रहे होंगे रोड काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, एकदम मस्त। हालांकि बीजेपी सरकार इसके लिए तो बहुत फेमस है रोड बनाने के लिए, गडकरी जी के कृपा है सारी सारी। तो मुंबई यहाँ से है 1204 किलोमीटर, 1204 किलोमीटर्स, और ये उस साइड का रोड है, बीच में काफ़ी अच्छा गैप है और गाड़ियाँ ऐसे मस्त भागती हुई यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों की जो टॉप स्पीड दी हुई है वो दी हुई है 120 तक आप भगा सकते हो, लेकिन उससे ऊपर एवर जाओगे तो चालान भी बड़ा अच्छा कटेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे को हमने एग्जिट कर दिया था, और वहाँ से अब यहाँ पर 50 किलोमीटर दूर रह गया मैनीपुर बालाजी का मंदिर। और एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है यहाँ पर, जो हिमाचल के ऐसे मतलब वैसे तो पहाड़ नहीं है, थोड़े से बंजर से पहाड़ है, बट ये पहाड़ है थोड़े से याद दिलाते हैं हमें हमारे गिरिराज जी महाराज जी के पर्वत जो है जतिपुरा गोवर्धन में, वहाँ की याद दिलाते हैं। और अगर देख पाएँ तो इस साइड पर भी पहाड़ है, तो चलो चलते हैं देखते हैं। अभी तो टाइम जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1 घंटा यहाँ से। आज बहुत दिन बाद ये जुगाड़ देखने का मौका मिला है, जब हम पहले गांव में रहते थे तो वहाँ बहुत चलती थी। अभी देख पा रहे होंगे एक्चुअली इसमें ना इंजन लगा हुआ है, वो जैसे ट्रॉली के इंजन होते हैं ट्यूबवेल पे लगते हैं वो वाला इंजन लगा हुआ है, और पीछे लगे हुए हैं इसमें पट्टे लकड़ी के, तो इसको बोलते हैं जुगाड़।
रोड काफ़ी अच्छी है, नो डाउट अच्छा सफ़र चल रहा है अपना। ये पहाड़ दिख रहे हैं, फीलिंग थोड़ी सी अलग आ रही है और टायर्ड हम तो बिल्कुल नहीं लग रहे। ये मैडम थोड़ी सी टायर्ड लग रही हैं और एकता ये थोड़ी सी टायर्ड हो गई है। ओके कोई बात नहीं, मेरा ऐसा पूरा हो गया। कोई बात नहीं, सफ़र में ऐसा होता है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। एंड चलो चल रहे हैं, देखते हैं। और ये हम आ गए थे यहाँ पे, कहाँ पर आ गए हम लोग? मेहंदीपुर आ गए थे, बालाजी धाम है। और हमने वहाँ पे होटल ले लिया था अपना, और हमारा वासु वासु टा 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 और अभी निकले हैं यहाँ से, करीब करीब 200 मीटर दूरी पर ही है मंदिर। तो अभी आरती का समय हो रहा है तो चल रहे हैं। सुबह भी हम दर्शन कर लेंगे सुबह नहा धो के, लेकिन अभी इस टाइम हमारे टाइम से पहुँच गए थे, टाइम खाली था, तो हम लोग अभी भी दर्शन करने आएंगे। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। एंड ये वासु काफ़ी इंजॉय कर रहा है। ऐ वासु और यहाँ पर कुछ शॉप्स तो अभी दर्शन और आरती करके आ गए हम लोग। और जैसे ही हम लोग मंदिर पहुंचे थे, सिर्फ 5 मिनट बचे होंगे आरती शुरू होने में, और इतनी भीड़ लग गई थी, हम बहुत जल्दी से वहां पहुंचे और वहां जाके बालाजी महाराज के दर्शन करें। बहुत अच्छे दर्शन हुए, दर्शन के बाद आरती शुरू हुई, आरती करी बाहर खड़े होकर, और उसके बाद इतना भीड़ का जमावड़ा हो गया, बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है। तो वो कहते हैं ना, भगवान सब देखते हैं, अगर 5 मिनट की देर होती तो फिर हमें वेट करना पड़ता काफ़ी। हालांकि हम सुबह भी आएंगे, लेकिन मॉर्निंग में लाइन बहुत लंबी लगती है और बच्चा का थोड़ा सा इशू है, इसलिए 8 बजे करीब हम करते हैं दर्शन। तो चलो चलते हैं होटल अपने। राम श्री राम जय राम श्री राम, मैं तो राम राम। और यहाँ से एंट्रेंस हो रही है, अंदर चलेंगे। और यहाँ पे आप पॉलिथीन खोल के रख रहे हैं यहाँ पे, और ये मंदिर में फूल माला आ रही है। राम श्री राम जय राम श्री राम। यहाँ पे भीड़ बहुत अच्छी है, बहुत सारी भीड़ हो रखी है, पीछे देखते थे यहाँ पे एंट्री ली है। और अभी और ये बाबा उल्टी साइड में यहाँ पर बड़े खुश हो रहे हैं देख के वासु को, ये कह रहे हैं वासु ऐसे कैसे टंगा हुआ है, हैं ऐसे कैसे टंगा हुआ है तू। बालाजी महाराज की जय। Yeah.
श्री राम, साइड से भीड़ आ रही है लेकिन ये भीड़ सिर्फ यहाँ तक सीमित है। हमारी लाइन यहाँ से यहाँ पर ऐसे करके जाएगी। जय हो बालाजी महाराज की जय हो। और ये यहाँ पे भैरव कोतवाल जी का मंदिर है। यहाँ प्रेतराज सरकार जी के। ओके तो अभी दर्शन बहुत बढ़िया हो गए यहाँ पे और अपना यहाँ से मौसम बहुत बढ़िया हो गया, निकल रहे हैं यहाँ से। जय श्री राम। ये तो अब यहाँ पे आ चुके हैं। ये मेन गली है, मेन रोड है और यहाँ से दर्शन कर सकते हैं रोड पे से, लेकिन परंतु अभी इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही है तो देख नहीं सकते। मेरे बालाजी में और सामने है श्री राम मंदिर, चलते हैं जाओ, क्योंकि राम जी नहीं रह सकते हनुमान जी के बिना और हनुमान जी भी नहीं रह सकते राम जी के बिना। जय श्री राम चंद्र की जय हो प्रभु।